प्रदेश के सियासत में भूचाल लाने वाले हनी ट्रैप मामले में दायर सभी याचिकाओं पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, वहीं एक हफ्ते में फैसला आने की संभावना है। सभी दायर याचिकाओं का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष जांच और सीबीआई को हनी ट्रैप मामला सौंपे जाने को लेकर है, क्योंकि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की लापरवाही लगातार सामने आ रही थी। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में दायर सभी याचिकाओं पर मंगलवार को हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में सुनवाई पूरी हो चुकी है। खंडपीठ ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है, वहीं आगामी एक हफ्ते में कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। हनी ट्रैप मामले में कुल 6 याचिकाएं दायर की गई थी, इनमें से 4 जनहित याचिका है। वहीं 2 याचिकाओं में एक आरोपी श्वेता पति विजय जैन की ओर से तो दूसरी आयकर विभाग की तरफ से दायर की गई है। 4 याचिकाएं थी जो मेरा पक्षकार थे दिग्विजय सिंह, उनकी ओर से पिटीशन सबसे पहले लगाई गई थी। जैसे ही हरभजन सिंह ने FIR दर्ज करवाई, उसके तीसरे दिन जनहित याचिका लगा कहा था कि चूंकि इसमें सीनियर IAS ऑफिसर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, मंत्री सभी इन्वॉल्व हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, और ये इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन जो असली अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह का सुसंगठित एक करेक्ट यानी कि अय्याशी का एक गैंग बनी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पूरा एक्स, जिसमें एक्स एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिसमें सेक्रेटरीज, जिसमें कलेक्टर्स, सीनियर IPS ऑफिसर्स, मंत्री, प्रभावशाली पॉलिटिशियंस, ये सब इन्वॉल्व थे, जो लोग अपनी अय्याशी के लिए अवयस्क लड़कियों को भी इन जो महिलाएं थी जिनको गिरफ्तार किया है उनके उनके द्वारा बुलवाते थे, और इन महिलाओं को जो योगदान था इंदौर में हरभजन सिंह देता था, यानी कि जिस किसी अधिकारी को इंदौर में ज़रूरत होती थी तो हरभजन सिंह के थ्रू सप्लाई होती थी, और भोपाल में जो इंदौर में कलेक्टर रह चुके हैं IAS अधिकारी, वो अपने सीनियर्स को सप्लाई करते थे। अब सप्लाई करते थे, अय्याशी करते थे लोग, ये लगता है कि इनका क्या अपराध है? इनका अपराध वो है कि करोड़ों रुपया रिश्वत में इकट्ठी करके अय्याशी करते थे, और यदि वयस्क के साथ उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए तो वो बलात्कार का 376 का अपराध है, और यदि सहमति से भी किया, पैसे से खरीद करके शरीर को किया, तो भी वो अपराध है। तो इसलिए एक ऐसे अपराधियों की गैंग जो कि यदि उनके खिलाफ ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो 10-10 साल की सजा हो। 4 जनहित याचिकाओं की बात की जाए तो सबसे पहले जनहित याचिका दिग्विजय सिंह भंडारी ने लगाई थी। इस याचिका के जरिए मांग की थी कि इस मामले में शिकायतकर्ता निगम इंजीनियर हरभजन सिंह को भी आरोपी बनाया जाए। वहीं हनी ट्रैप मामले में गठित SIT भी आरोपी पक्ष को बचाना चाहती है, लिहाजा इस पूरे मामले की जाँच CBI को सौंपी जाए। इसी तरह से दूसरी याचिका शिरीष मिश्रा की है। इस याचिका में भी हनी ट्रैप के मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कहा गया है। इसी तरह से अन्य याचिकाकर्ता धर्मेंद्र चिलावत ने भी इसी तरह की मांग की है। इसके अलावा चौथी याचिका आरोपी बरखा सोनी की ओर से लगाई गई है। इस याचिका में बरखा सोनी की गिरफ्तारी को गलत बताया गया है, साथ ही पूरे मामले की सही जाँच हो यह कहा गया है। फिर दूसरा बनाया, दूसरे को बदला, फिर तीसरा बनाया, वो ये सुनिश्चित किया कि IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर्स को छिपा करके केस बनाए। उसका परिणाम ये हुआ कि 2 FIR दर्ज की थी, दोनों में उन्होंने आरोप पत्र पेश किए, हरभजन सिंह के मैटर में इंदौर में, और भोपाल में वो जो लड़की थी यादव, उसके फादर की के नाम से FIR लेकर के एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर और दलालों को करके वो केस लगाया, और एविडेंस पेश नहीं किया। एविडेंस पेश नहीं किया तो केस खारिज हो गया। वो खारिज हो गया तो उसकी कोई अपील या कोई वो नहीं की। जब अखबारबाजी हुई तब 3 महीने बाद जबलपुर हाईकोर्ट में उसकी रिवीजन की, तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि ऑफिसर्स को बचाया ही जाएगा। कमलनाथ ने भी सब अखबार वाले मालिकों को बुला करके रिक्वेस्ट की थी
कि इससे मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा की हानि हो रही है, तो हनी ट्रैप के समाचार छापे ही नहीं जाए। और फिर कमलनाथ ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाने के लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए इन सब भ्रष्ट IAS ऑफिसर्स को का उपयोग किया, इनको सबको मलाईदार पद पे रखा और उनसे जितने लाभ ले सकते थे वो लेते रहे, बदले में उनको प्रोटेक्शन दिया। जो सीढ़ी बनाई गई 1000 से ज़्यादा उसमें क्लिपिंग्स थे, वीडियो क्लिपिंग्स और ऑडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग में करोड़ों रुपए के काम इन महिलाओं ने एक चीफ सेक्रेटरी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, कलेक्टर के पोस्ट पर जो आसीन थे उन लोगों से करने के और करवाने के जो बातचीत की वो भी वीडियो ऑडियो है। वो इस तरह से ऑडियो जो है वो 65 यानी करीब करीब 14-15 घंटे सबका कंपाइलेशन 15 घंटे का था। वो उसमें भी जिन लोगों ने कंपाइलेशन किया उन्होंने अपने ग्रुप के IAS और IPS अधिकारियों को छोड़ दिया, और जो जिनके प्रति उनको दुर्भावना थी उनका किया। तो बहुत से जो इंदौर में पदस्थ थे वो IAS IPS ऑफिसर्स के वीडियो जो थे अलग कर दिए, क्योंकि एक हार्ड डिस्क मैंने भी हाईकोर्ट उस केस में पेश की, उसमें बहुत से IAS IPS ऑफिसर्स जिनके नाम हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। बहरहाल हनी ट्रैप मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, एक हफ्ते में फैसला आने की संभावना बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, इंदौर।